नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक गुरु में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ समर्सियल का भाग दो। समर्सियल को कैसे भरना है, समर्सियल का डाटा क्या होना चाहिए, ये चीज़ें तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। भाग एक में समर्सियल वेंडिंग कैसे करें, इसके भाग एक मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ दोस्तों, जिसमें मैं समर्सियल वेंडिंग में कॉयल कैसे डालना है, फर्स्ट कॉयल डालना आपको सिखा चुका हूँ दोस्तों। अब समर्सियल का कनेक्शन कैसे करना है, समर्सियल का कनेक्शन कैसे करना है। चार वायर निकलते हैं, चारों वायर में से हमें तीन वायर बाहर निकालना है, एक मेन और दो कंडेंसर के। दो कंडेंसर में से एक कंडेंसर का मेन रहता है। ये चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ दोस्तों, आप देखिए मेरे चैनल इलेक्ट्रॉनिक गुरु में और सीखिए मोटर बनाना, कैसे मोटर बनाते हैं पूरा बेसिक से A to Z आपको मैं सिखाना चाहता हूँ दोस्तों, अपने इस वीडियो यूट्यूब चैनल के माध्यम से, अपने इस वीडियो के माध्यम से, ताकि आप घर पर ही मोटर वेंडिंग का काम सीख जाए, किसी से कोई चीज़ पूछने की जरूरत ना पड़े। और अगर कोई भी दिक्कत आपको आती है इसमें मोटर वेंडिंग का काम करने में, फैन वेंडिंग में, सीलिंग फैन में या फर्राटा में, कोई भी पंखा में अगर या मोटर में दिक्कत आती है, तो आप मेरे वीडियो में कमेंट करिए दोस्तों, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा दोस्तों। इसमें कोई शक नहीं कि मैं आपको आपका कमेंट ना देखूँ या आपको रिप्लाई ना दूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा दोस्तों। मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरा वीडियो लाइक कर दीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले बटन को जरूर दबा लीजिएगा दोस्तों, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे, पहुंचता रहे, ताकि आप हर वीडियो मेरा प्राप्त कर सके, आपको ज़्यादा मेरा वीडियो खोजने में दिक्कत ना हो। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, मोटर वाइंडिंग का कनेक्शन, सॉरी मोटर, समर्सियल मोटर का कनेक्शन कैसे करें। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों समर्सियल का कनेक्शन करना सिखाएंगे आपको हम। कनेक्शन कैसे करते हैं आपको ये सीखना है। ये वायर है, सबसे पहले हम सीरीज बोर्ड से चेक करेंगे। ये हमारा 08 नंबर का वायर है दोस्तों, जो रनिंग कॉयल का है, और ये स्टार्टिंग का है। स्टार्टिंग कॉयल, ये रनिंग कॉयल पहले भरा जाता है, स्टार्टिंग कॉयल बाद में भरा जाता है। स्टार्टिंग और रनिंग कॉयल को उल्टा सीधा समर्सियल को चलाने के लिए कैसे कनेक्शन किया जाता है, ताकि आप अच्छे से सीख जाएँ। देखिए दोस्तों, हमने एक बार पकड़ लिया है रनिंग का बार पकड़ लिया हमने एक, आपको अच्छे से नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा है बता रहा हूँ, ये रनिंग कॉयल हमने पकड़ लिया। ये कॉयल पहले भरा जाता है दोस्तों, इसके बाद में भरा जाता है स्टार्टिंग। ये स्टार्टिंग कॉयल है, ये रनिंग कॉयल है,
ये रनिंग कॉइल को पहले पकड़ना है, फिर उसके लेफ्ट में जो वायर होगा, उसके लेफ्ट में जो वायर होगा उसे पकड़कर दोनों को शॉर्ट कर देना है दोस्तों। ये हमारा इसमें देखिए ब्लू कलर, येलो कलर, रेड कलर, ब्लू कलर को इसमें जोड़ना है दोस्तों। फिर दूसरा जो रनिंग कॉइल बचता है दोस्तों वो हमारा लाल कलर में जाएगा, और जो स्टार्टिंग का एक कॉइल वायर बचता है, ये रनिंग का वायर है, सॉरी स्टार्टिंग का वायर है, स्टार्टिंग का वायर पीले वाले में, पीले वाले वायर में और ये हमारा रनिंग का लास्ट कॉइल का कनेक्शन जो लाल वाले में जुड़ जाएगा। इसका कनेक्शन कैसे करना होता है दोस्तों, ये मेन रहता है, इसमें कोई कंडेंसर नहीं लगता है, ब्लू वाले में, येलो वाले में कंडेंसर लगता है और रेड वाले में। तो एक रेड वाले से कनेक्शन बाहर निकलता है और एक ब्लू वाले से, इसमें हम टेपिंग कर देंगे दोस्तों। टेप लगाते समय दोस्तों ध्यान देना इसके अंदर पानी ना जाए, इसलिए इसको थोड़ा खींच के टाइट टेप लगाना दोस्तों, ताकि इसके अंदर पानी ना जा सके। पहले कच्चा टेप, कनेक्शन का पूरा वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों, ताकि आप मिस ना कर पाएँ, आधा अधूरा वीडियो दिखाकर मैं आपको गुमराह नहीं करना चाहता दोस्तों, ताकि आप ऐसा ना हो कि अधूरा वीडियो बना के दिखा दें, आप
अपना काम करें, फिर उसके बाद फंस जाएँ या फिर गलत काम कर जाएँ। एक बार कच्चा टेप लग गया दोस्तों, अब इसमें डबलिंग करेंगे, तीनों को एक साथ करके कच्चा टेप लगाएंगे, इसके बाद पक्का टेप लगाएंगे, फिर सिलाई करेंगे। मोटर को डायरेक्ट कैसे चलाते हैं? तो देखिए दोस्तों, हम करेक्शन कैसे करते हैं, मोटर को डायरेक्ट कैसे चलाना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके मैं आपको दिखा दूं। ये लास्ट पार्ट है, ये आखिरी स्टेप भी है मोटर वेंडिंग का, कहना चाहिए अपना समरसेबल वेंडिंग का भाग दो का। तो आप देखिए इसको डायरेक्ट मैं कैसे चलाता हूँ। देखिए इसमें समरसेबल का जो बाहर से वायर निकलता है अंदर से, तो तीन वायर होते हैं, रेड ब्लू एंड येलो, कहना चाहिए लाल पीला और नीला। पीला और लाल दोनों वायर में हम कंडेंसर जोड़ेंगे, पीला और लाल वायर में हम कंडेंसर जोड़ेंगे और नीला वायर में खाली छोड़ देंगे। पीला और लाल में कंडेंसर जोड़ना है तुम्हारा मोबाइल का। उसके बाद कंडेंसर जोड़ने के बाद हमें करंट का वायर जोड़ना है। करंट का वायर कहाँ कहाँ, जो करंट का तार कहाँ कहाँ जोड़ना है, एक लाल में और एक नीला में। अर्थिंग प्रेस से हमारा मोटर चलेगा, तो एक लाल में रिपेयरिंग पहले डालो और एक नीला में, दोनों में करंट वाला करेक्शन जोड़ना है दोस्तों, और करंट हमें चालू कर देना। आरसीबी मोबाइल रिपेयर, देखिए मैं जोड़ लेता हूँ आपके सामने, मोटर चेक करूँगा आपके आपके सामने चलाऊंगा मोटर। वीडियो देखते देखते दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि मुझे लगे कि कुछ लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं,
मेरा वीडियो अगर पसंद आ रहा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा दोस्तों, जो भी आपको कन्फ्यूजन होगा। तो देखिए दोस्तों, ये सीरीज में मेरा सब ठीक बता रहा है। अब इसको हम मोटर चलाएंगे दोस्तों। मोटर हमारा चालू हुआ दोस्तों, ये